हेलो दर्शकों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमद्रुम योग। ये योग आप सब जानते हो मून के साथ संबंध रखता है। अगर हम एकेडेमिकली या टेक्निकली बात करें तो केमद्रुम योग क्या है। केमद्रुम योग है कि अगर चंद्रमा के आगे वाले भाव में या चंद्रमा के पीछे वाले भाव में कोई भी प्लैनेट ना हो, यानी चंद्रमा अकेला हो, जिसका कोई भी नेबर यानी पड़ोसी नहीं है, प्लस चंद्रमा के केंद्र स्थान यानी के अगर चंद्रमा प्रथम भाव यानी के फर्स्ट हाउस में है तो 4, 7, 10 जो आगे वाले तीन केंद्र स्थान है उसमें भी कोई प्लैनेट ना हो तो ये केमद्रुम योग है। अब ऋषियों ने केमद्रुम योग को बहुत इम्पॉर्टेंट योग माना है। अच्छा या बुरा ये आज की वीडियो में जब हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि केमद्रुम योग अच्छा होता है या बुरा होता है। अब ये जो योग है ये पर्टिकुलरली चंद्रमा से संबंधित है और हमारे एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में चंद्रमा को सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन का आधार भी है और हमारे जीवन का ड्राइवर भी है। मन के बिना हमारे जीवन की गतिविधियां संभव ही नहीं है। मन ही जो हमारा रिसोर्स है यानी कि पंच महाभूत कह लीजिए, या जो पांचों प्लैनेट्स हैं या जो प्लैनेटरी एनर्जीज जो हमें रिसोर्स के रूप में मिली हैं, उन सब को कैसे यूटिलाइज करना है, उनको कैसे काम पे लगाना है, उनको कैसे ऑर्डर देकर उनसे कर्म लेना है, ये सब ड्यूटी चंद्रमा की है। जन्म के समय आत्मा शरीर में आ जाती है मगर आत्मा अपने आप कोई काम नहीं करती। आत्मा आपके जीवन की या आपके शरीर के अंदर जो परमात्मा द्वारा दी गई अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस है वो है। अब काम करने की ड्यूटी मन को दी गई है और ऋषियों ने केमद्रुम योग को मन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट योग के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि जब मन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब मन का किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं आप सोचिए, आपके कोई पड़ोस में आगे वाले घर में नहीं है, आपके पड़ोस में आपके पीछे वाले घर में नहीं है, जो आपके केंद्र स्थान है यानी जिनके साथ आपका बहुत डीप का संबंध हो सकता है, अंदर का संबंध हो सकता है। केंद्र स्थानों की रेलेवेंस मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाई थी, आप उस रेलेवेंस को अब यहाँ पर भी यूज करिए तो आपको केमद्रुम योग बहुत अच्छे से समझ आएगा। यानी आपके मन को कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको दिखाई दे। मन को ऐसे लगता है या लगने लग जाता है कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, मन बिल्कुल अकेला हो गया, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना ही लाइफ का कोई पर्पस। और जब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड बन जाए, अब आप सोचिए कोई भी इंसान को इस तरह की एनवायरनमेंट या सिचुएशन में जाना पड़ जाए तो कैसे होगा, उसके मन पे क्या बीतेगी या उसके जीवन में क्या होगा, यही केमद्रुम योग है। अब आप देखिए, जब आपके पास कुछ करने को नहीं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई आपके आगे नहीं, कोई आपके पीछे नहीं, कोई भी अगर हम कहें कि आप किसी चीज़ में फोकस लगा पाएं या किसी चीज़ में अपना मन लगा पाएं, आपके पास कोई भी संबल नहीं है और मन अकेला रहता नहीं। मन को कुछ ना कुछ चाहिए, कोई पकड़ चाहिए, कोई अटैचमेंट चाहिए जिसमें मन लग जाए। बिना अटैचमेंट बिना पकड़ के मन काम ही नहीं कर सकता। सो इसीलिए आप देखिए केंद्र स्थानों में स्पेशली 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस
या अगर फर्स्ट हाउस की भी बात करें तो उसमें भी मन को लगाने का साधन है, मन अपने शरीर में लग जाता है, घर में लग जाएगा, प्रॉपर्टी में लग जाएगा, मदर में लग जाएगा, इमोशंस में लग जाएगा, और दूसरी अगर चीज हम कहें माता में लग जाएगा, पत्नी में लग जाएगा, कर्म में लग जाएगा। अब आप देखिए ये मन के पकड़ है, मन कहां से पकड़ा जाता है या मन का आप कह लीजिए फोकस पॉइंट बन जाता है कि मन को काम करने के लिए ये एक पॉइंट है जिस पर वो अपने आप की पकड़ बना सकता है और उसमें लगकर काम कर सकता है। केंद्र स्थानों का ये रोल है। अब आगे और पीछे वाले घरों में क्या होगा, आप जानते हैं आगे वाला घर क्या होता है, सेकंड हाउस गेन का हाउस होता है। आप जो भी कर रहे हो अगर आपको गेन लगता है या गेन मिलता है या गेन का एक्सप्रेशन आता है, गेन का एक्सप्रेशन कैसे आता है, वहां पर कोई प्लेनेट पड़ा हो तो वो आपका एक्सप्रेशन पॉइंट बन जाता है जिसके थ्रू वो गेन आपको मिल सकता है। आपको जो भी आप कर रहे हो कोई गेन नहीं है, और प्लस आपके पीछे वाले भाव में यानी कि 12th हाउस में कुछ भी नहीं है, यानी आपको खोने को भी कुछ नहीं है, ना गेन करने को कुछ, ना खोने को कुछ, ना कोई फोकस। तो ये अवस्था क्या होती है, ये अवस्था होती है उदासी की। आप अब इस वर्ड को मेरे को अगर आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा दो वर्ड होते हैं, एक उदासी होती है एक उदासीन होता है। हमारे अगर वैदिक शास्त्रों की बात करें उदासीनता को बहुत से धर्मों में स्पेशली ये एक अलग तरीके का कल्ट बन जाता है। उदासीन डेरे आपको पंजाब में मिलेंगे, वहां पर मेडिटेशन, वहां पर सिखाया जाता है कि आपको उदासीन होना है। उदासीन का मतलब क्या है कि आपको किसी भी चीज में आपका मन को रमने नहीं देना, उदासीनता। चीज आपके सामने है मगर आपको उसमें कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, कोई इंडल्जेंस नहीं रखनी, ये उदासीनता है। मगर जब उदासी किसी के मन में आ जाए तो सब कुछ होते हुए भी, आप देखिए सब कुछ होते हुए भी आदमी का मन किसी चीज में खुश नहीं होता। तो इसको समझने के लिए केंद्र स्थानों के रेलेवेंस या रेफरेंस से अब आप उस उदासी को समझिए। आपका चंद्रमा आप समझ लीजिए यानी फर्स्ट भाव में, प्रथम भाव में है, तो चौथा भाव उसका सुख स्थान हुआ। सुख स्थान में कोई प्लेनेट नहीं है। अब सुख स्थान में आप समझ सकते हो कि उस इंसान के पास अच्छा भला घर है, घर में गाड़ी है, नौकर चाकर है, सुख सुविधा का पूरा सामान है, यानी कि जो मेटीरियल चीजों की बात है वहां पर सब कुछ है, प्लस माता पिता भी हैं, यानी सब कुछ होते हुए भी उसको सुख नहीं मिलेगा, वो खुश नहीं फील करेगा। इसी तरीके से अब आइए बात सेवंथ की। घर में पत्नी है, वीनस है, अच्छी भली पत्नी है मगर उसका मन ही नहीं है पत्नी में, उदासी। उसके बाद टेंथ की बात कर लें, वहां पर कर्म है। आप समझिए फादर ने अच्छी भली फैक्ट्री उसको डाल के दी हुई है, अच्छा भला बिजनेस उसको दिया हुआ है मगर उसका मन ही नहीं है, उदासी है। तो आप सोचिए कि वो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है उसके पास। जब मन में खुशी नहीं है तो बाहर जितनी मर्जी सुख सुविधा का सामान इकट्ठा हो जाए वो उसके लिए जीरो है। उसको ये लगता है मैं जो काम कर रहा हूं, जो उससे गेन हो रहा है, मेरे को क्या मिला, ये उदासी की फीलिंग है। तो आदमी कर्म करते हुए भी ऐसे हो जाएगा कि उसका कर्म में भी कोई मन नहीं है, अपनी चीज को बढ़ाने में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लस अगर कोई उसको कहता है कि आप इस अवस्था को मतलब पार करना चाहते हो या इस अवस्था से परे जाना चाहते हो, आप थोड़ा चैरिटी का काम करो, लोगों की सेवा करो,
उदासी वाला इंसान क्या करेगा, चैरिटी से क्या मिलने वाला है, दूसरों की सेवा से क्या मिलने वाला है। उसको कोई कहे आप अपना मन परमात्मा में लगाओ, वो कहेगा परमात्मा में मन लगा के क्या होगा। ये जो चीजें हैं ये केमद्रोम योग है, सब कुछ है, पूरी दुनिया है, और परमात्मा ने बहुत अच्छी दुनिया आपके पास दी है, मगर उसके बावजूद अगर केमद्रोम योग है तो वो इंसान का मन किसी भी चीज में लगने वाला नहीं है। अब यहां पर उदासी और डिटैचमेंट, इसका डिफरेंस भी आप समझ लीजिए। डिटैचमेंट को हम लेते हैं केतु के साथ, कि आपके पास पकड़ने को कोई चीज है, यानी आपका पास्ट है, पकड़ने को कोई चीज है, तो केतु महाराज कहते हैं कि आपको उस चीज में इंडल्जेंस नहीं रखनी, आपको मोह नहीं रखना। ये जो मोह वर्ड मैंने मतलब यूज किया है, ये हमारे उन पांच सिद्धांतों में है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये वो केतु के डिटैचमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। मगर उदासी और उदासीनता, इसमें और केतु में, अब आप समझ लीजिए कि कितना फर्क है, कि केमद्रुम योग और केतु का होना, इन दोनों में ये एक बेसिक, जिसको हम कहते हैं मूलभूत, इसमें डिफरेंस है। अब केमद्रुम योग हो तो आप क्या करोगे, कैसे कर सकते हो? अब यहां पर आपके लिए आपके मन का बेटा यानी के मरकरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है जब केमद्रुम योग किसी के भी चार्ट में हो, क्योंकि जैसे आत्मा कोई काम नहीं करती, इसी तरह मन भी अपने आप कोई काम नहीं करता, मन तो सिर्फ ऑर्डर देता है, और सबसे पहला ऑर्डर वो किसको देता है, वो मरकरी को देता है। अगर मरकरी आपका पॉजिटिव हाउस में है, पॉजिटिव उसके ऊपर ऑस्पेक्ट्स हैं, तो वो मरकरी आपको विवेकशील बना देगा। आप उस सिचुएशन को एनालाइज करके अच्छे बुरे में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, और जब आपको समझ में आया कि कहां पर डिटैचमेंट लेनी है और कहां पर उदासीनता होनी चाहिए, मतलब इन दोनों चीजों में आपको उसका फर्क समझ में आना शुरू हो जाए, और यह मरकरी के थ्रू होगा, और मरकरी भी वहां पर अकेला नहीं, जुपिटर वीनस के ऑस्पेक्ट चाहिए उसके ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं से उसको वो विवेकशील बुद्धि, विवेकशील बुद्धि बिना ज्ञान के नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो वो चीजें भी उसको चाहिए, यानी कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो उस उदासीनता से या उस उदासी के स्टेट ऑफ माइंड से वो आदमी निकल सकता है। मगर दर्शकों इतना मैं बता दूं कि केमद्रुम योग ये बहुत सीरियस घटना है अगर किसी के भी लाइफ में हो जाए। सब कुछ होते हुए भी इंसान खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो ऐसे लोग कई बार नेगेटिव स्टेप्स ले जाते हैं, जिसको हम लाइफ से परे की घटना के साथ एसोसिएट करके समझ सकते हैं। सो पहली बात, केमद्रुम योग को आप समझिए। दूसरी बात, केमद्रुम योग अगर है तो उसको अच्छे ढंग से एनालाइज करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए कि आपका चंद्रमा किस तरह है, कि क्या आगे पीछे के हाउसेस की वजह से केमद्रुम योग है, या केंद्र स्थानों का भी उसमें साथ में इन्फ्लुएंस है। फिर आपको उसको और डीप एनालाइज करने के लिए आपको नवमांश देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, कि कहीं नवमांश में आपका चंद्रा, मतलब चंद्र, कोई अच्छे एसोसिएशंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वहां पर आपको एसोसिएशन मिल रही है तो आपको उन एसोसिएशंस को फॉलो करना है, आपको वो डायरेक्शन पकड़नी है कि जहां से आपको वो रेमेडी, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, कि इस प्लेनेटरी एनर्जी के थ्रू अगर हम एक्ट करेंगे तो चंद्रमा अपनी उदासी को कम कर देगा या छोड़ सकता है। और ये चीज मन का, अब यहां पर छोटा सा एक क्वेश्चन उठता है जो आपके सबके मन में आ जाएगा, और वो क्या है कि अगर ऐसा आदमी योग साधना करते हुए मेडिटेशन में चला जाए जिसमें केमद्रुम योग है, तो कई बार
मिरेकुलस रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि मन आपका किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं खोज रहा, पकड़ ही नहीं पकड़ रहा, किसी में कोई इंडल्जेंस नहीं है, कोई पकड़ नहीं बना रहा। तो ऐसा मन अगर उसको मेडिटेशन की डायरेक्शन मिल जाए तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर आपको मैं रेफरेंस कोट कर सकता हूँ कि कुछ लोग हमारे आए, बहुत प्रबुद्ध लोग थे। अब गुरु नानक की बात मतलब आपने हमेशा सुनी है, गुरु नानक को हम बहुत हाई एस्टीम में देखते हैं। सिद्ध पुरुष तो थे, बुद्ध पुरुष थे, उनको हम बहुत एस्टीम में, हाई एस्टीम में, जो उनके बड़े बेटे थे, पर्टिकुलरली श्रीचंद की मैं बात करूँ, उनके जो बड़े बेटे थे, उनके बड़े बेटे वो उस उदासीन संप्रदाय के साथ संबंध रखते थे, जिसकी मैंने शुरू में आपको रेफरेंस बताने की कोशिश की थी। वो उदासीन संप्रदाय जो है कि हम एक तो केंद्रम योग आपको मिला, दूसरा हम उस तरह की स्टेट ऑफ माइंड के साथ मेडिटेशन में जाएं, और अगर हम मेडिटेशन में जाएंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा। सो ये जिनमें भी केंद्रम योग है उनके लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है। और दूसरी रेमेडी जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, वो स्पेशली केंद्रम योग के लिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको नवमांश तो देखना ही है, वहाँ से आपको डायरेक्शंस मिलेंगी कि आप क्या कर सकते हो, मगर उसके अगर हम शरीर में एनालिसिस या उसके पार जाने के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने नाभि चक्र पे जाना पड़ेगा, आपको अपने मणिपुर चक्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर चक्र मन का जगह है, मन की सीट है, मन का पुर है। तो अगर हम अपने मणिपुर चक्र पे फोकस करेंगे और वहां मन की जो अंदर की अवस्था है उसको समझने का प्रयास करेंगे तो उसके पार जाना फिर मुश्किल घटना नहीं है, क्योंकि जब हम मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेंगे तो वो सोलर प्लेक्सेस है। अब यहां पर अब आप समझिए, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से चीज को समझा देता हूं। वहां पर वो सोलर प्लेक्सेस है जहां से हमारे हॉर्मोन्स गवर्न होंगे, और अगर हमने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर लिया तो क्या होगा, आपके हॉर्मोन्स आपके कंट्रोल में आएंगे, और वहां से जो हैप्पीनेस देने वाले हॉर्मोन्स हैं, स्पेशली सेरोटोनिन्स, मेलानिन्स, वो आप अपने कंट्रोल से अपनी बॉडी में ला सकते हो, और उनकी एक्टिवेशन के थ्रू आप दोबारा से लाइफ में एंट्री कर सकते हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट दोबारा से लाइफ की उन चीजों में आ जाएगा जो आपको डिवेलपमेंट का रास्ता दे देंगे, आपको कहीं ना कहीं फोकस बता देंगी, आपके लाइफ के पर्पस के तरफ आपको ले जाएंगी। सो ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई, ये केंद्रम योग का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। बाकी जो भी सॉल्यूशंस, जो भी रेमेडीज केंद्रम योग के बारे में है, वो इससे बहुत इन्फीरियर क्वालिटी की है, जिसमें हम थोड़ी देर के लिए स्टेट ऑफ माइंड से उस आदमी को मतलब डिफरेंट जोन या डिफरेंट रेल्म में ले जाते हैं, जिसमें आदमी के सोचने का नजरिया थोड़ा थोड़ा बदलता है, और उसमें भी साधना आएगी, एक बार में नहीं होने वाला, धीरे 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 काउंसलिंग सेशंस करते 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 धीरे धीरे उस इंसान को उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकाला जाता है। सो दर्शकों, ये जो केंद्रम योग है ये बहुत डीप योग है, इसको समझना। सुपरफिशियल चीज़ों से करने से कि आप किसी को कोई मंत्र दे दें, किसी को कोई मतलब यंत्र दे दें, या कुछ ऐसी चीज़ें मतलब यानी बता दें कि आप ऐसे कर लो, इतने आप पाठ कर लो, उन चीज़ों से यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। थोड़ी देर के लिए तो इंसान उन चीज़ों में जा सकता है, मगर जब मन के अंदर उदासी है तो ये चीज़ें कोई मीनिंग ही नहीं रखती। तो वहाँ पर जहाँ से इसकी शुरुआत होती है या जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उसके डीपेस्ट पॉइंट में अंदर जाइए, उसको एनालाइज करिए, फिर आपको रास्ता मिलेगा, और वो जो रास्ता होगा वो परमानेंट भी होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगी, और आप इस जन्म में डेवलपमेंट का रास्ता भी पकड़ पाओगे। सो ये था दर्शकों मेरा व्यू पॉइंट केंद्रम योग के बारे में, और
जो एक निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आप सबसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुँचे। क्योंकि ये अकेला चैनल है जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती जिससे लोगों को डराया जाए, कुछ फियर क्रिएट करके, फियर साइकोसिस बना के लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया जाए या कोई पैसे का खेल खेला जाए। इस चैनल पे ऐसी कोई भी बात नहीं आपको मिलेगी। और जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं या मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9888164480। वहाँ पर बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम करते हैं, वो आप प्रोफेशनल सर्विसेज का बेनिफिट उठाइए। अपने जीवन को समझिए, अपनी एनर्जीज़ को समझिए, अपनी डायरेक्शन को पकड़िए और अपने लाइफ का जो किसी का भी जर्नी या रास्ता हो सकता है उस रास्ते पर मिनिमम ऑब्स्टेकल्स के साथ चलने का परमात्मा ने विधान दिया है। सिर्फ आपको उसको पकड़ना है, समझना है और फिर उसके ऊपर चलना है। सो दर्शकों, एक तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरी बात, अननेसेसरी के फियर साइकोसिस जो एस्ट्रोलॉजी के साथ एसोसिएट हुए हुए हैं कि एस्ट्रोलॉजी पता नहीं क्या कर सकती है, आपके जीवन में एकदम से कोई मिरेकल्स आ सकते हैं, ऐसा दर्शकों कभी नहीं है। जीवन है तो जीवन अपनी गति से ही चलेगा। आप उन फंडामेंटल्स को पकड़ के ही अगर चलोगे तो आप हमेशा लाइफ में बेटर रिजल्ट्स पा सकोगे। तो दर्शकों, इसके साथ ही आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।